हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम एक नए वीडियो के साथ आ चुके हैं, अपडेट वीडियो के साथ आ चुके हैं। आज की जो हमारी वीडियो होने वाली बहुत ही इंटरेस्टिंग शानदार अपडेट के बारे में जो जानकारी है वो आप सभी को मैं यहाँ पर देने वाला हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि KGMU का जो एग्ज़ाम है वो कम्प्लीटली अच्छे से करवाया जा चुका है। अब जो बात आ रही है वो आ रही है एग्ज़ाम के रिजल्ट के बारे में, ठीक है। यानी कि रिजल्ट कब तक आएगा, जैसा कि आप सभी को पता है KGMU ने जब एग्ज़ाम करवाया था, यानी कि जिस टाइम एग्ज़ाम था उस टाइम ये बोला था कि 7 दिन के अंदर आपका जो रिजल्ट है वो आपको दे दिया जाएगा, यानी कि 1 हफ्ता के अंदर आपको रिजल्ट है वो प्रोवाइड करा दिया जाएगा। लेकिन अभी तक क्या है, काफ़ी टाइम हो चुका है, यानी कि 26 नवंबर का आपका जो एग्ज़ाम है वो करवाया हो चुका है और आज क्या होगा 6 दिसंबर, यानी कि आप लगभग ये मान लीजिए 10 या 11 दिन हो चुके हैं एग्ज़ाम को कंप्लीट कराए हुए, लेकिन अभी तक जो रिजल्ट है वो नहीं आया। तो काफ़ी कैंडिडेट कमेंट कर रहे थे, काफ़ी कैंडिडेट मैसेज भी कर रहे थे कि सर जो रिजल्ट की कुछ अपडेट है तो आप सब हमें प्रोवाइड करवा दो कि रिजल्ट की क्या अपडेट है। तो फाइनली मैं आपको एक छोटी सी अपडेट यहाँ पर देने वाला हूँ रिजल्ट के बारे में। कोई ज़्यादा बड़ी ये वीडियो नहीं रहेगी, कोई ज़्यादा बड़ी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन, यानी कि सिर्फ और रिजल्ट के बारे में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले देख लीजिए, जल्द आएगा KGMU नर्सिंग भर्ती का रिजल्ट, ठीक है। यानी कि नर्सिंग भर्ती का रिजल्ट आपको जल्द देखने को मिल जाएगा। KGMU में नर्सिंग भर्ती परीक्षा का रिजल्ट अगले 2 दिन में आने की उम्मीद है। 26 नवंबर को हुई परीक्षा, 1200 पदों पर लगभग 55,000 कैंडिडेटों ने यहाँ पर जो एग्जाम है वो दिए थे और 26 नवंबर को हुई थी यह परीक्षा, 1200 पद थे और ये मान लीजिए लगभग 50 या 55,000 जो कैंडिडेट है वो इस एग्जाम के अंदर बैठे थे, ठीक है। यानी कि लगभग ये मान लीजिए 50,000 के लगभग कैंडिडेटों ने यहाँ पर एग्जाम दिया था। लेकिन कुलपति डॉक्टर सोनिया नित्यान्ना ने बताया कि अगले 2 दिन में परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। सफल अभ्यर्थियों की शैक्षिक जो दस्तावेज है, यानी कि जो डॉक्यूमेंट्स है वो डॉक्यूमेंट्स और अनुभव प्रमाण जो एक्सपीरियंस वगैरह है उनकी जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की प्रोसेस है आपकी जल्द शुरू की जाएगी। यानी कि जैसे ही 2 दिन के अंदर आपका जो रिजल्ट है वो रिजल्ट आ जाएगा, तो रिजल्ट आने के बाद में आपका जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की प्रोसेस वो चल जाएगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आप जैसा कि आप सभी को पता है 134 सेंटर थे जिसमें से एक सेंटर को क्या कर दिया गया है, ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है, ठीक है। आप सभी को पता भी होगा, मैंने अपडेट भी आपको दी थी कि एक सेंटर ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। लेकिन आपकी जो अपडेट रहने वाली है नर्सिंग की, यानी कि ये जो 2 दिन का जो टाइम दिया गया था ये दिया गया था आज सुबह, ठीक है। यानी कि आज सुबह ये टाइम दिया गया था प्रवक्ता के द्वारा, KGMU के प्रवक्ता के द्वारा, कि आपका रिजल्ट है 2 दिन के अंदर आ जाएगा। तो इसमें उन्होंने यह कहा था या तो आज शाम आ जाएगा, तो आज शाम रिजल्ट नहीं आया तो कल पूरी यहां पर संभावना आपको देखने को मिल जाएगी। ये मान लीजिए 95% आपको संभावना मिलेगी कि कल आपका जो KGMU का रिजल्ट है वो देखने को मिलेगा। तो जैसे ही अगर KGMU का रिजल्ट आता है तो आप सभी को मैं सबसे पहले बताने की कोशिश करूंगा, चैनल के माध्यम से जितना संभव हो सके बताने की कोशिश करूंगा। तो चैनल के साथ जरूर जुड़े रहे, साथ ही साथ ये इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई, बिल्कुल डाउट मत, बिल्कुल टेंशन में मत रहिए, आपको मैं जरूर अपडेट यहां पर दूंगा जैसे ही रिजल्ट आएगा। तो थैंक यू सो मच, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर रेगुलरली शेयर कर दीजिए, जैसे अपडेट हम आपके पास टाइम से लाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।